नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि राइट्स यानी कि RITES लिमिटेड के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो अब्सॉर्प्शन के बेसिस पे होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। गाइस, आप नीचे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन है, वो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मास कॉम से, जर्नलिज्म से या एडवर्टाइजिंग से, और साथ ही या फिर कम्युनिकेशन से, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मीडिया मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, और इन सब में आपके पास मैक्स मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट टू ग्रेड्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। साथ ही अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स और आपके पास मेंटेनिंग और इन्हांसिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल की, अगर आपके पास कुछ भी ऐसे आपके पास डिग्रीज है, तो आपको डिजायरेबल के केसेस में रखा जाता है और आपको ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलती है। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मेंशन है, और वो जो एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद इन फील्ड्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म या फिर न्यूज़पेपर्स में। साथ ही जो कैंडिडेट है उनकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश राइटिंग में। गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एड्रेस मेंशन की गई है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, और जिस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो है श्री एस मोहंती, जनरल मैनेजर FIR, राइट्स भवन, नंबर सेक्टर 29 1220 1, गुरुग्राम, हरियाणा। गाइस, इस एड्रेस में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। साथ ही आप जब यहाँ नीचे आते हो, अटैचमेंट सेक्शन में 2 अटैचमेंट्स देखते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इंग्लिश एडवर्टीजमेंट। मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर आप किसी भी वैकेंसी के लिए, क्योंकि इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपको अगर ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट है, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आ सकते हो और यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। जब आप इसे यहाँ से डाउनलोड करते हो, आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो एज लिमिट है वो 18 to 32 years की है, यानी कि 18 से 32 साल के लिए। साथ ही जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो सिर्फ एक है। आपको मैंने जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताए थे वो सेम है, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो गुरुग्राम की होगी, हरियाणा। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 12 मार्च 2022, और जो स्टार्टिंग डेट है वो है 11 फरवरी 2022। का आपको पूरे एक महीने का टाइम मिला है। और साथ ही आप जब यहाँ नीचे आते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखते हो, आपको यहाँ पे अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंशन करनी है, नेम, जेंडर, सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगरी, ये सारी आपकी बायोडेटाज में आती है। आपको यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन, डिग्री, ईयर, डिवीजन, इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स मेंशन करनी है कि आप किस डेजिग्नेशन पे थे, आपकी ग्रेड क्या थी और आपने स्टार्ट कब किया था, एंड कब किया है। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे आपको यहाँ सिग्नेचर करनी है, डेट डालनी है, सेम डेट जिस दिन आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो। और मैंने ऑल्दो आपको इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस की हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझा दी है, लेकिन उसके बाद भी आप चाहो तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ रोल्स एंड ड्यूटीज़, फिर ऐसे मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये सब चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हो। जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो ऑब्वियसली आपके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डाउट्स हैं इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर, जब इस फोरम बटन पे क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पे आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पे आप यहाँ नीचे राइटर रिप्लाई का सेक्शन देखते हो। इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपनी क्वेरीज या फिर कुछ भी आप अपने डाउट्स लिखते हो, तो वो हम तक आते हैं और हम आपको ऑन टाइम सारे रिप्लाईज देते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूँ कि ये ऑन टाइम रिप्लाईज गारंटीड है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म की जो ये लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि वीडियो देखते वक्त भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप एक टैप करके डायरेक्टली हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो और अपने सारे डाउट्स यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।